हेलो दोस्तों, आज मैं उस गाड़ी के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो बहुत कम समय में इंडिया ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी काफ़ी अच्छी पहचान बना ली और हाल ही में किया ने अपनी न्यू गाड़ी किया सोनेट को भी लॉन्च किया गया। तो चलिए, सोनेट का वीडियो भी है, अगर आप चाहें तो उसको आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी हम किया सोनेट के बारे में नहीं, किया सोल्टेस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस। तो चलिए सबसे पहले हम इसके इंजन ऑप्शन की बात करते हैं। इसमें आपको तीन इंजन ऑप्शन मिलता है। पहला मिलता है 1.5 पेट्रोल जो 1497 सीसी की। उसकी पावर की बात करते हैं इसमें आपको 113.4 बीएचपी की पावर मिलती है। और वहीं टॉर्क की बात करते हैं इसमें आपको 144 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। और दूसरा इंजन है 1.4 टर्बो चार्ज पेट्रोल जिसमें आपको 1353 सीसी का इंजन मिलता है। और पावर की बात करते हैं 138 बीएचपी की पावर मिलता है। टॉर्क की बात करते हैं 240 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। वहीं अगर हम तीसरे इंजन की बात करते हैं इसमें 1.5 डीजल इंजन मिलता है जिसमें आपको 1493 सीसी का इंजन मिलता है। और पावर की बात करें तो 113.4 बीएचपी की पावर मिलता है। और टॉर्क की बात करें तो इसमें आपको 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। तो डीजल ये ऑप्शन काफ़ी बेहतरीन गाड़ी है। तो चलिए अब गाड़ी को फ्रंट से जानते हैं। तो गाड़ी फ्रंट से देखने में काफ़ी अच्छी लगती है और काफ़ी स्पोर्टीनेस लगती है। चलिए सबसे पहले इसकी लाइटिंग की बात करें तो इसमें आपको फुल एलईडी लाइटिंग की सेटअप दी गई विथ डीआरएल दी गई है, तो काफ़ी अच्छी लगती है। वहीं आप इसमें आप देखिएगा तो इसकी जो ग्रिल है ये टाइगर नोज ग्रिल है। और यहीं इसमें आप फॉगलाइट की बात करिएगा तो इसमें आपको ISQ फॉगलाइट दी गई, तो काफ़ी अच्छी फ्रंट से देखने में लगती है। और सेफ्टी की बात करेंगे तो इसमें आपको ABS, CVT, ब्रेक असिस्ट, सेंट्रल लॉकिंग, पावर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी और एंटी थीप अलार्म और टो वेरिएंट लेते हैं तो इसमें आपको 6 एयरबैग भी मिलते हैं। और इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल भी मिलता है। ऐसे काफ़ी सारे फीचर मिलते हैं। तो चलिए अब गाड़ी को साइड से जाना अगर हम साइड से बात करें तो सबसे पहले हम इसके एलॉय व्हील की बात करें तो इसमें आपको टॉप मॉडल 17 इंच का एलॉय व्हील मिलता है विद हाइपर मेटेलिक। वहीं इसकी हम ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इसमें आपको 190 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। वहीं अगर आप इसके रूफ पर देखिएगा तो इसमें आपको रूफ रेल दी गई है, तो काफ़ी एक अच्छी लगती है। इससे आप गाड़ी देखने में काफ़ी स्पोर्टीनेस लगती है। वहीं अगर हम ORBM की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक फोर्डेबल RPM है विद टर्न इंडिकेटर। वहीं आप डोर हैंडल की बात करेंगे तो आपको ये क्रोम में मिलती है जिस वजह से ये देखने में काफ़ी प्रीमियमनेस लगती है। वहीं आप पिलर देखिएगा तो गेट का जो पिलर वो आपको ब्लैक कलर में दी गई, वहीं जो गेट के नीचे आपको क्रोम से लाइनिंग देगी, इस वजह से भी देखने में गाड़ी काफ़ी अच्छी लगती है। और इसमें आपको स्क्रेच से बचने के लिए इसमें आपको ब्लैक कलर की ग्रेडिंग दी गई है जिस वजह से काफ़ी अच्छी साइड से भी देखने में लगती है। अब चलिए रियर से बात करते हैं, गाड़ी रियर से देखने में कैसी लगती है। और वहीं अगर हम इसकी हाइट की बात करें तो इसमें आपको 1645 मिलीमीटर का हाइट मिलती है। विड्थ की बात करें तो 1800 की विड्थ मिलती है। और लेंथ की बात करें तो इसमें 4350 की लेंथ मिलती है। वहीं अगर हम इसकी व्हील बेस की बात करें तो इसमें आपको 2610 का इसमें आपको व्हील बेस मिलती है, तो ये काफ़ी अच्छी एक बॉडी डायमेंशन है। वहीं अगर हम इसके वेरिएंट की बात करें तो ये आपको 5 वेरिएंट में आता है। जो टेक लाइन है वो आता है HTE, HTX और HTX प्लस। तो चलिए अब गाड़ी को रियर से देखते हैं। रियर से सबसे पहले हम रूफ की बात करें तो इसमें आपको शार्प एंटीना दी गई है, तो काफ़ी अच्छी लगती है। वहीं इसमें आपको टेल लैम्प की बात करें तो इसको फुल LED टेल लैम्प दी गई है। और बीच में आपको देखिएगा तो किया की लोगो दी गई है जो क्रोम से लाइनिंग थी कि इस वजह से किए देखने से रियर से देखने में गाड़ी काफ़ी अच्छी लगती है। वहीं आपको बैक में वाइपर दी गई है जिस वजह से काफ़ी अच्छी गाड़ी लगती है। इसी में आपको बैक में आपको रिफ्लेक्टर दी गई है विद, और जो बम्फर वो आपको डुअल टोन सिल्वर मफलर डिज़ाइन में बम्फर दी गई। वहीं इसके बूट स्पेस की बात करें तो इसमें आपको 433 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। और इसको अपने रियर में स्पॉइलर भी मिलता है जिस वजह से गाड़ी देखने से काफ़ी स्पोर्टीनेस पीछे से लगती है। तो चलिए अब गाड़ी को इंटीरियर जानते हैं कि गाड़ी इंटीरियर में आपको क्या क्या फीचर प्रोवाइड करवाता है। चलिए अब गाड़ी को इंटीरियर से बात करते हैं। इंटीरियर से बात करें तो अंदर से भी देखने में इंटीरियर से गाड़ी काफ़ी प्रीमियम लगती है और काफ़ी स्पोर्टीनेस और काफ़ी अप मार्केट लगती है। सबसे पहले हम इसके स्टेयरिंग व्हील की बात करेंगे तो स्टेयरिंग व्हील में आपको काफ़ी सारे बटन दिए गए हैं जैसे कि फ़ोन कनेक्ट, डिसकनेक्ट और इससे काफ़ी पीछे इसमें आप क्रूज़ कंट्रोल के भी बटन दिए गए जिस वजह से आप हाईवे पर क्रूज़ कंट्रोल करके काफ़ी बेहतरीन माइलेज निकाल सकते हो। वहीं अगर हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करेंगे तो आपको डिजिटल ऑडो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होता है जिसमें आपको काफ़ी सारे फीचर प्रोवाइड कराए गए जैसे कि आपकी माइलेज गाड़ी की क्या दे रही है, एवरेज क्या है। अगर आप रियर की बात करें तो इसमें आपको काफ़ी अच्छी, अगर आप
मिडिल क्लास फैमिली से और काफ़ी आपकी हाइट अच्छी है तो आप तीन लोग आराम से बैठ सकते हैं और इसमें आपको तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं तो एक काफ़ी कंफर्टेबल चीज़। बीच में आपको आर्मरेस्ट दी गई विद कप होल्डर तो इस वजह से आप काफ़ी लॉन्ग ड्राइव पर काफ़ी आराम से बैठ के जा सकते हैं। और आपको रियर में आपको रियर एसी वेंट भी दी गई जिस वजह से आप कूलिंग करने में काफ़ी आराम होगी। तो चलिए अब गाड़ी की सब फ्यूचर बता देता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।